दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ये बिजनेस आइडिया बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, अब तक की मेरे वीडियोज में, मेरे बिजनेस कॉन्सेप्ट में, मेरे बिजनेस आइडिया में ये सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया होने वाला है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आपके एरिया में इस बिजनेस को कोई भी नहीं कर रहा होगा। तो कहा जाए तो दोस्तों, इसमें कंपटीशन जो है वो ना के बराबर है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है दोस्तों इस बिजनेस की कि आपको इसमें एक रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सिर्फ जरूरत है तो एक पेन की, एक डायरी की और एक स्मार्टफोन की। तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास स्मार्टफोन है। अब दोस्तों आते हैं कि ये बिजनेस आइडिया क्या है। तो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया क्या है, इसको कैसे किया जाएगा, इसके क्या क्या मॉडल हैं, कैसे इसको इनिशिएट करना है, ये सारी चीजें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा और तभी आपको पता चलेगा कि ये और बिजनेस से किस तरह से ये अलग है। आज भी हमारे देश में दोस्तों सभी लोग कार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन लगभग सभी लोगों के पास बाइक होती है। और यहां तक दोस्तों कि जिनके पास कार होती है उनके पास बाइक्स भी होती हैं, और एक नहीं कई सारी होती हैं। इस समय दोस्तों बाइक के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और बहुत ज़्यादा इनके प्राइस बढ़ गए हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बाइक आज से 4 साल पहले 50 से 60 हज़ार रुपये में मिलती थी, आज की डेट में उसका दोस्तों बाइक का रेट जो हो चुका है वो 1 लाख रुपये से ऊपर का है। तो दोस्तों, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर जिनका बजट कम होता है, वो नई बाइक नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं पुरानी बाइक लेने की। लेकिन दोस्तों, कम बजट में कंडीशन की बाइक मिल जाए ये भी कोई कंफर्म नहीं होता है। उसके लिए भी दोस्तों काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं पे उनको एक कंडीशन में और बजट में बाइक, पुरानी बाइक मिल पाती है। लेकिन दोस्तों, उससे ज्यादा दिक्कत होती है उनको जो अपनी बाइक बेचना चाहते हैं, जिनके पास बजट काफी है और वो अपने बाइक को अपडेट करना चाहते हैं, पुरानी बाइक को बेच के नई बाइक लेना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है कि वो बाइक कहाँ पे बेचें। जिनको दोस्तों पुरानी बाइक चाहिए होती है, वो किसी से, मिस्त्री से या फिर अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, जान पहचान वालों से घूम घूम के ये कह देते हैं कि मुझे पुरानी बाइक चाहिए, तब जाके वो किसी तरह से बाइक खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जिनको बाइक बेचना है, अब वो क्या करें, वो किसके पास जाएं, उनके पास तो सबसे बड़ी समस्या है, वो किसी से कह भी नहीं सकते हैं, और जिससे कहते भी हैं तो उस बाइक का रेट उनको अच्छे से नहीं मिल पाता है। इसके लिए दोस्तों ओलेक्स जैसी कुछ साइट्स भी हैं, वो यहाँ पे अपनी बाइक को अपलोड करते हैं सेल करने के लिए, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग वो रेट उनको नहीं मिल पाता है। और किसी किसी को मिलता भी है तो कुछ इसमें फेक लोग भी होते हैं, जिसमें धोखाधड़ी होने के चांसेस भी होते हैं, तो इसलिए ओलेक्स पे भी लोग भरोसा कम करते हैं। तो दोस्तों, इससे समझ में आता है कि समस्याएं दोनों तरफ हैं, मतलब जो बाइक लेना चाहते हैं उनके लिए भी और जो बाइक बेचना चाहते हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों, पुरानी बाइक बेचने और खरीदने का स्कोप बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि इस बिजनेस को आप करके काफी पैसा कमा सकते हैं, मोटी कमाई कर सकते हैं। की डेट में न्यू बाइक की जो मार्केट है उससे ज्यादा मार्केट पुरानी बाइक की है। दोस्तों, पुरानी बाइक की मार्केट इसलिए ज्यादा है क्योंकि जितनी ज्यादा बाइकें हर साल बन रही हैं, उतनी ज्यादा बाइकें, उतनी ही बाइकें डेड नहीं हो रही हैं, मतलब कि वो खराब नहीं हो रही हैं। तो इस वजह से दोस्तों पुरानी बाइकों का मार्केट काफी ज्यादा है बाइक की अपेक्षा, नई बाइक के कंपेरिजन में। बात करते हैं पुरानी बाइक की शोरूम की। दोस्तों, कुछ गिने चुने शहर हैं जहां पे पुरानी बाइक के शोरूम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपके गांव में, आपके छोटे सिटी में ऐसी कोई शोरूम नहीं होंगी जहां तक मुझे लगता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपके एरिया में क्या कोई पुरानी बाइक की शोरूम है, आपके मार्केट में कोई पुरानी बाइक की शोरूम है? अगर है तो मुझे आप कमेंट करें। इसलिए दोस्तों, आप इस बिजनेस को अभी शुरू करें और अपने गाँव में रह के, अपने शहर में रह के एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब दोस्तों, इस बिजनेस को कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चीजों को
अच्छे से समझिएगा। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो दोस्तों इस वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक पेन और एक डायरी ले लेना है। अगर हो सके तो आप अपने नाम से एक विजिटिंग कार्ड भी प्रिंट करवा लें। इसके लिए दोस्तों ज्यादा आपको पैसा नहीं खर्च करना होगा। 500 से 700 रुपये में 1,000 से ज्यादा विजिटिंग कार्ड आपको प्रिंट होके मिल जाएंगे। उसको दोस्तों अपने पास रख लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप सभी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, यूज करते होंगे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो दोस्तों इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अपने पोस्ट डालने हैं और स्टेटस लगाना है कि मैंने बाइक रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। जिसको भी बाइक बेचना या खरीदना हो इस नंबर पे जरूर संपर्क करें। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अपने जान पहचान के लोगों से, दोस्तों से, रिलेटिव से, जितने लोग भी हो सके सबसे आपको इस बिजनेस के बारे में उनसे डिस्कस करना है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपके एरिया में जितने भी मिस्त्री हों, जितने भी आपके यहाँ पे बाइक सर्विस सेंटर हो, वहां से जरूर आप कांटेक्ट करें उनसे। उनको आप बताएं कि मैंने बाइक रिसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर किसी को बाइक बेचनी है तो बेच सकता है, किसी को बाइक खरीदनी है तो खरीद सकता है। ये दोस्तों एक एडवर्टीजमेंट आपको अपने एरिया में कर देना है। उनको दोस्तों आप अपना विजिटिंग कार्ड दे दें या फिर उनको अपना नंबर दे दें और उनसे बोल दें कि ये सेव कर लें, जब कभी भी जरूरत हो तो उनसे संपर्क, वो आपसे संपर्क जरूर कर लें। अगर दोस्तों किसी के भी आपके पास इंक्वायरी आती है, वो आपको कॉल करते हैं कि मुझे बाइक सेल करनी है, तो आप दोस्तों उनकी डिटेल को अपने डायरी में नोट कर लें। अब दोस्तों उसको कैसे नोट करना है, कैसे अपने डायरी में उसको मेंशन करना है, जिससे कि आप इजिली हर एक डिटेल्स को आराम से समझ सके, उसके लिए मैं आपको दोस्तों बता दूं। दोस्तों आपको अपने डायरी में कुछ कॉलम्स बना लेने हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, उनका एड्रेस, बाइक का क्या मॉडल है, बाइक किस ईयर की है और क्या उसकी कंपनी है। ये चीजें दोस्तों आपको सीरियल वाइज लिख लेनी है। उसके साथ ही दोस्तों आपको उसमें एक यूनिक कोड का भी कॉलम बनाना है। अब यूनिक कोड में दोस्तों कैसे उसको डिफाइन करना है, यूनिक कोड को आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 24001 पहले सीरियल को, 24002, 24003, इस तरह से दोस्तों यूनिक कोड आप बना लीजिएगा। अब यूनिक कोड का यूज कैसे होगा दोस्तों, इसको मैं आपको आगे भी बताता हूँ। और दोस्तों उसमें जो आपने कॉलम बनाया है, इसमें इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल नहीं लिखनी है। इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। उस पेज पे क्यों नहीं लिखना है ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों अगर आपके फ्रंट पेज पे सारी डिटेल्स होंगी, अगर किसी खरीदने वाले ने आपकी डायरी को देख लिया या फिर किसी तरह से उनके ये इंफॉर्मेशन मिल गई, तो दोस्तों क्या होगा कि जो बाइक खरीदने वाला है वो डायरेक्टली बाइक बेचने वाले से कांटेक्ट कर लेगा और आपको साइड कर देगा। तो जो आपका मेन मोटो था इनसे पैसे कमाने का, वो आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। इस वजह से दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हिडन करके लिखा जाता है। अब दोस्तों क्या है कि सपोज दैट किसी एक क्लाइंट का मैं आपने यूनिक कोड जनरेट कर लिया, यूनिक कोड बना लिया 24001, तो उसमें क्या करना है दोस्तों, एक पेज पे एकदम टॉप पे उसका यूनिक कोड लिखना है 24001। साथ ही दोस्तों अब उस बाइक की पूरी डिटेल लिखनी है, मतलब कि उनका नाम जो भी हो, रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, जो भी हो आपको वो लिखना है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों उसमें लिखना है कि बाइक कौन सी है, किस कंपनी की है, कौन सी मॉडल की है और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कब तक की है, इंश्योरेंस की वैलिडिटी कब तक की है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है उसकी वैलिडिटी कब तक की है। तो दोस्तों हर एक चीज उस यूनिक कोड में ही लिखना है, जिससे कि सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ आप समझ पाए कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि मैंने तो इतना कुछ कर लिया, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं किस तरह से बाइक को सेल और परचेस करके पैसे कमा सकता हूँ। तो दोस्तों ये मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों इसमें क्या करना है आपको कि जिससे भी सपोज दैट कोई ए पर्सन है वो बाइक बेचना चाहता है और कोई बी पर्सन है जो बाइक बाइक खरीदना चाहता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि जो ए है जो बाइक बेचना चाहता है उसकी पूरी डिटेल आप अपने उस यूनिक कोड में लिख लेना है।
और साथ ही दोस्तों उसके कुछ फोटोज भी आपको रख लेने हैं, उनकी कुछ फोटोज भी आपको अपने मोबाइल में खींच के रख लेनी है। और दोस्तों उन फोटोज को भी आपको वैसे ही सेव करने हैं जो यूनिक कोड है, जिससे कि इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी को फोटो दिखाना हो या फिर कोई फोटो शेयर करनी हो तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ सर्च करना है यूनिक कोड से। तो उसमें दोस्तों आपके वो यूनिक कोड का, जैसे 24001-1, 24001-2, इस तरह से अगर दोस्तों 5 फोटो आपने क्लिक किया है, 5 फोटो आपने सेव किया है, तो उसको सेव करने का तरीका ये होगा, नेम आप यूनिक कोड से दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप किसी से बाइक खरीदें या फिर जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, दोनों लोगों से दोस्तों आपको कंफर्म कर देना है कि अगर आपकी बाइक मैं बेचता हूं तो आपको 3 से 4% मुझे कमीशन देना पड़ेगा, इधर भी आपको बात कर लेना है। और जिनको बाइक आप बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं बाइक, उनको भी ये चीज बता देना है कि अगर आप बाइक खरीदते हैं, मेरे थ्रू खरीदते हैं, तो आपको इसमें 3 से 4% का आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर सपोज दैट कोई 30,000 रुपए की बाइक है, तो उसमें 3% के हिसाब से 900 रुपए आपके हो जाते हैं। 900 रुपए आपको जो बाइक बेचेगा वो भी देगा और जो बाइक खरीदेगा वो भी देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप 1,800 रुपए कमा सकते हैं। ये फिर दोस्तों इसका दूसरा पैटर्न भी है, अगर आप परसेंटेज भी नहीं बात करना चाहते हैं तो उसको आप बात कर सकते हैं, फिक्स प्राइस कर सकते हैं। अगर 30,000 तक की कोई बाइक सेल होती है, उसमें आप फिक्स कर दीजिए कि 1,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो जिसकी बाइक बेचनी है, जो बाइक बेचना चाहता है, वो भी आपको 1,000 रुपये देगा, और जो बाइक खरीदना चाहता है वो भी आपको 1,000 रुपये देगा। साथ ही दोस्तों अगर ये भी आप डिफाइन कर दीजिए कि अगर वो 40,000 के ऊपर और 60,000 या 70,000 के बीच में है, तो फिक्स प्राइस 150-2,000 रुपये रख लीजिए आप, दोनों लोगों से लेना है। ये चीजें दोस्तों बिल्कुल क्लियर करके चलना है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों एक बाइक के सेल होने पे अगर बेचने वाला भी आपको 1,000 रुपये देता है और खरीदने वाला भी 1,000 रुपये देता है, तो आप आराम से दोस्तों इसमें 2,000 रुपये कमा सकते हैं। अब इसका दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बाइक बेचने वाले के जो एक्सपेक्टेशन है, सपोज दैट मैंने दोस्तों एक चीज मैंने छोड़ दिया था कि जब आप यूनिक कोड में सारी डिटेल्स लिखें तो उसमें उनका एक्सपेक्टेशन भी आप जरूर लिख लें कि वो कितना अपनी बाइक का रेट चाहते हैं, कितने में वो बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों सपोज दैट कोई एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मैं अपनी बाइक का 30,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आपने उसको 5,000 रुपये बढ़ा के, मतलब 35,000 रुपये में आपने अगर किसी को सेल कर दिया, तो 5,000 रुपये वो आपके है ही, और साथ में ही जो आपको कमीशन दोनों तरफ से मिलेगा वो एक्स्ट्रा, तो मतलब दोस्तों यहाँ पे आप 7,000 रुपये के आसपास कमा सकते हैं एक बाइक को सेल करके। इसके अलावा दोस्तों जब आप धीरे धीरे ये बिजनेस को करते रहें और जब आप अच्छा खासा पैसा कमा लें, तो दोस्तों अगर आपके पास पैसे हो जाएं, बाइक को खरीद के बेच भी सकते हैं। कई बार ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं लोगों के पास जो मजबूरी में या फिर किसी बहुत ही इमरजेंसी के कारण, अर्जेंट के कारण, वो अपना बाइक किसी भी औने बौने रेट पे बेच देते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो ऐसी बाइक को आप खरीद लें, और खरीदने के बाद दोस्तों उसे अपने मनचाहे रेट पे, जो भी आपको रेट लगे उस रेट पे आप उसको बेच सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो बाइक ईएमआई पे लेते हैं, और उसकी ईएमआई पे न होने पे जो कंपनी होती है या फिर जो बैंक होती है या जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वो बाइकों को जब्त कर लेती हैं, उनको अपने कस्टडी में ले लेती हैं। जब उनके पास भी दोस्तों काफी बाइकें हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि उन बाइकों को नीलाम कर देती हैं, उनका ऑक्शन कर देती हैं। तो जितने भी आसपास बैंक हो उनसे कांटेक्ट में रहें, और जितने भी फाइनेंस कंपनीज हैं उनके भी कांटेक्ट में रहें, जिससे जब कभी भी ऑक्शन आए तो आप जाके उन बाइक को एक सही दाम पे उसको खरीद लें। खरीदने के बाद दोस्तों उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां हो उसको सही करवा के आप अपने हिसाब से उस बाइक को बेच सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास बजट है तो आप 5 से 10 बाइकें खरीद के आप एक छोटा सा शोरूम ओपन करके वहां से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा, लोगों को आपके ऊपर विश्वास भी होगा, क्योंकि उनको पता है कि आपकी ये शोरूम है, आप कहीं पे नहीं जाएंगे और गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें दोस्तों क्या होगा, आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो वो ये बोल देंगे कि मैं अपनी बाइक आपके यहाँ खड़ी कर दे रहा हूँ, जब कभी भी ये मेरी बाइक 1 हफ्ते 10 दिन में बिक जाए तो आप पैसे मुझे दे दीजिएगा। अगर दोस्तों आप अपने शोरूम के लिए, खुद के लिए बाइक खरीद रहे हैं या फिर किसी के थ्रू बाइक को खरीद रहे हैं, तो कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं, अगर उनको आप ध्यान नहीं देंगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
कुछ दोस्तों केसेस बहुत ही गंभीर होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और आपको फ्रॉड के केसेस भी लग सकते हैं। और जब दोस्तों कोई भी बाइक को सेल करने आए तो दोस्तों उस बाइक के जो भी आरसी होता है उसको जरूर देखें। इसके साथ ही दोस्तों जो बेचने आया हुआ है उसमें नेम मैच करवाएं कि जो व्यक्ति बेचने आया हुआ है उसी के नाम से आरसी है। साथ ही दोस्तों आरसी में भी कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आरसी हो उसमें जो चेसिस नंबर लिखा हो उसको आपको अपने बाइक से मैच करवा लेना है। और इसके साथ ही दोस्तों आज की डेट में ऑनलाइन आप सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही आप बाइक का नंबर डालेंगे तो आरसी की पूरी डिटेल आ जाएगी कि वो किसके नाम से है, किस एड्रेस पे है, उस पर कोई चालान तो नहीं है, और इसके साथ दोस्तों कोई लोन तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको दोस्तों ऑनलाइन पता चल जाएंगी। अगर आप इसको देख सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं सर्च कर पाते हैं, इसको नहीं देख पाते हैं, तो दोस्तों आप YouTube पे सर्च करें, वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। दोस्तों सर्च क्या करना है, हाउ टू चेक ऑनलाइन आरसी डिटेल्स। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये आपको अगर आप अपना शोरूम खोलना चाह रहे हैं तो ये काम आपको करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। दोस्तों अगर आप अपना शोरूम खोल रहे हैं तो आपको एक मिस्त्री, एक मैकेनिक भी हायर करना होगा। जो मैकेनिक दोस्तों आपकी हमेशा हेल्प करेगा। जैसे कोई आप बाइक खरीदने जा रहे हैं तो वो जाके उनकी कंडीशंस को चेक करेगा कि वो किस कंडीशन में है, उनके इंजन की क्या कंडीशन है, उनके जो भी और भी नेसेसरी चीजें होंगी वो देख के उसको चेक करके सही दाम उसका लगाएगा। इससे दोस्तों आप नुकसान से बच जाएंगे। हो सकता है कि आपको वो इंजन का नॉलेज ना हो, लेकिन मिस्त्री है तो उसको हर एक चीज उसको आवाज से पता चल जाती है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक मिस्त्री भी, एक मैकेनिक भी हायर करके रखना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों अगर कोई ऐसी कंडीशन की बाइक है जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उस मिस्त्री के द्वारा ही, उस मैकेनिक के द्वारा ही आप उसको सही करके एक अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। तो दोस्तों मैकेनिक रखने के कई सारे फायदे हैं, वो आपको आपके बाइक को खरीदने में भी हेल्प करेगा, और जो थोड़ी बहुत कमी भी होंगी आपके बाइक्स में जो आप खरीद के ले आते हैं उनको रिपेयर करके एक अच्छे दाम पे आप बेच सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको अपने ग्राहकों को ज्यादा विश्वास देने के लिए आप एक स्कीम भी रख सकते हैं कि जो भी मेरे यहाँ से बाइक खरीदेगा 1 या 2 महीने की आप वारंटी दे सकते हैं कि इस बीच में जो कोई भी समस्या होती है, जो छोटी मोटी कमियां होती हैं, हम उसको रिपेयर करके दे देंगे। आपके पास एक मिस्त्री रहेगा तो अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो आप उसको सही करके रिटर्न कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि लोगों को आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और जब दोस्तों विश्वास बढ़ेगा तो जो एक बार आपके यहाँ आएगा वो दोबारा आपके यहाँ विजिट जरूर करेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर विजिट नहीं करेगा तो वो रेफरेंस जरूर देगा कि किसी को अगर बाइक सेल करनी है तो जो भी आप, जिस नाम से भी आपका शोरूम चल रहा होगा, वो उनका रेफरेंस देगा कि उस शोरूम पे जाइए, वहां पे बाइक आपको अच्छी भी मिल जाएंगी। अगर कोई बाइक सेल करना चाहता है तो वो भी ये भी बताएगा वहां पे आपको बाइक के रेट अच्छे मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए ओएलएक्स पे या फिर जो भी ऐसे ऑप्शंस हों जहां से आप बाइक खरीद सकते हैं, आप उस पर अपडेट रहें। अगर कोई बाइक आती है तो आप वहां से देखें, उनको जाके विजिट करें, अगर वो आपके कंडीशन में आपके रेट के अकॉर्डिंग मिलती है तो आप उसको भी खरीद के अपने स्टॉक में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब आपका बिजनेस काफी ग्रो कर जाए तो सेम कॉन्सेप्ट पे दोस्तों आप बाइक के साथ साथ आप 4 व्हीलर का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 4 व्हीलर का रिसेलिंग का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए आप वेबसाइट बनवा सकते हैं या फिर कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं। उस वेबसाइट और ऐप के जरिए आप पैन इंडिया से किसी भी गाड़ी का पूरी डिटेल्स मंगा के आप उसके रेट को लगा सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। और जब दोस्तों आपको ऑनलाइन मतलब पैन इंडिया से आपको कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस आपको इसी तरह के देने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।